गुड मॉर्निंग बेटा, फटाफट आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। अरे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, तो लास्ट क्लास में जो किया था वो देखो क्या किया था, फटाफट बताओ। एक्सरसाइज चल रही थी शायद, हाँ एग्जाम्पल चल रहा था बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11। क्या तीनों एग्जाम्पल हो चुके थे कंप्लीट बेटा? एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुके? बताओ जल्दी से। नहीं हुए? मैं एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बता देना। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर जो 10 है बेटा वो देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है। इफ साइन 3 इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26, साइन 3 ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। साइन 3 ए इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस 26, वेयर 3 ए इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, हमें इसमें दे रखा है कि साइन 3 ए है वो इक्वल है कॉस ए माइनस 26 के, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं बेटा। सबसे पहले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब एक चीज़ समझो ध्यान से कि जब भी हम दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कंपेयर करते हैं तो उनके एंगल आपस में कब इक्वल होते हैं? जब बाहर वाले दोनों फंक्शन सेम हो। दोनों सेम होंगे तभी आपका एंगल उसको इक्वल कर पाओगे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हैं? बेटा देखो आपको दोनों फॉर्मूले याद है ना। अब देखो इसमें यहां दिया है साइन थीटा, क्या दिया है साइन थीटा, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा दिया हुआ है। हम देखें ये दिया है ऐसे, या आप ये मान लो कि ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले में, बिल्कुल आसान तरीका समझ लो बेटा, प्रसून पढ़ने पे ध्यान दो। इसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, जहाँ थीटा लिखा है वहाँ 3a लिख देता हूँ मैं, थीटा को रिप्लेस करके 3a लिख देता हूँ, तो मेरे पास क्या लाइन आएगी? यहाँ तक आया कि नहीं आया? ये आ गया बेटा समझ में? मैंने कुछ भी नहीं किया, थीटा को हटाया है, 3a लिखा है। तो अब इस लाइन से हमारे पास क्या आया कि साइन 3a को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a। तो मैं इस लाइन को दोबारा लिखता हूँ, साइन 3a को लिख देता हूँ ये कॉस 90 माइनस 3a इक्वल्स टू RHS वाला पार्ट क्या है आपके पास? RHS से बेटा कॉस a माइनस 26, RHS क्या है कॉस a माइनस 26। अब देखो ध्यान से, दोनों में बाहर कॉस कॉस है, अगर दोनों में बाहर कॉस है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसके जो एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। एंगल एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26। ये आ गया, ये जो एंगल है डिग्री में है बेटा, ध्यान रखना ये डिग्री है, ठीक है। अब देखो a वाले एक तरफ और एंगल सारे एक तरफ, तो एंगल तो इधर आ गए और ये 3a उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, यहाँ आपके पास आ गया 116, इधर आ गया 4a,
देन ए इज इक्वल्स टू 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा शायद आपके पास 29 डिग्री आ जाएगा ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ए की वैल्यू। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कर लिया, वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल नंबर 11। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11। 11 में बोला है एक्सप्रेस cot 85 cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। cot 85 है आपके पास और cos 75। ये है बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 11। देखो कैसे करते हैं, इसमें ये बोला है कि आपके पास जो एंगल है, एक तो 85 डिग्री है, दूसरा 75 डिग्री है। आपको वो एंगल कन्वर्ट करना है किसमें, 0 से 45 के बीच में, यही तो करना है। तो एंगल को अगर 0 से 45 के बीच में लाना है तो आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, 6 के 6 याद रखने आपको। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, आई बात समझ में। फिर अगर हम देखें 10, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा, सेक इज इक्वल्स टू कोसेक, एंड कोसेक इज इक्वल्स टू सेक। सब में ब्रैकेट में वही 90 माइनस थीटा आएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉट थीटा लिखा है बेटा, कॉट थीटा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस 85। बेटा इसका मतलब यही तो होता है 90 माइनस थीटा। क्या हम इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 85 लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले में हम थीटा की जगह 85 लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 10 90 माइनस 85 इज इक्वल्स टू कोस 85। तो ये आ गया कॉट 85। इसी तरह इसको बेटा कोस वाले को, कोस थीटा को लिखना चाहो तो साइन में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। कोस वाले को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, आ गया इतना। अब आप माइनस करके लिख दो, टेन 90 माइनस 85 कितना होता है बेटा, 5 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस 75, साइन ऐसे कैसे, और 90 में 75 गया तो आ गया 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी सबसे छोटी चीज़ कि 85 और 75 को ब्रेक करके 0 से 45 के बीच में लाना है, आ गया 0 से 45 के बीच में एंगल, बस। हाँ बेटा, जो बच्चा डाउट पूछ रहा है लेसन, जल्दी लिखो फटाफट अगला क्वेश्चन देख। अब एग्जांपल शायद पूरे हो गए आपके, एक्सरसाइज 8.3 पे आ जाओ बेटा, एक्सरसाइज 8.3 जल्दी से कर लेते हैं, फटाफट देखो इसको ना, एक्सरसाइज 8.3 निकाल लो। देखो इवेल्युएट
आसान आसान क्वेश्चन है। 8.3 पे आ जाओ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, बेटा जो छह आपको अभी लिखा है फॉर्मूले वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बस सारे क्वेश्चन उन्हीं पे बेस हैं। आप तो बस वो फॉर्मूले ध्यान रखो, सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 एंड कॉस 72। सेकेंड है बेटा इसका टेन 26 डिवाइडेड बाय कॉट 64। थर्ड है बेटा इसका कॉस 48 माइनस साइन 42। एंड नेक्स्ट फोर्थ है लास्ट आपका कॉस एक 31 ये इसके फोर पार्ट है, चारों एक साथ करते हैं, केवल और केवल फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना। देखो बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि 90 माइनस या वो 90 माइनस वाला फॉर्मूला जब लगाते हो तो आपके पास दो फंक्शन है, एक साइन का एक कॉस का, दोनों में मत लगाना, केवल और केवल एक में लगाना है, दोनों में से एक में किसी में भी लगाओ, चाहे आप साइन में लगाओ या कॉस में लगाओ। ऐसे ही यहाँ टेन और कॉट है, आपको पता है टेन और कॉट रिलेट करते हैं, तो या तो आप टेन में लगाओ या कॉट में लगाओ, एक में लगाना है केवल। कॉस और साइन या तो कॉस में लगाओ या साइन में लगाओ, ऐसे ही कोसेक और सेक या सेक में लगाओ या कोसेक में लगाओ, एक ही बात है। देखो लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं पहला वाला, मैं साइन में लगा देता हूँ, तो साइन 18 को बदल देते हैं हम, 18 को तो ये लिख सकते हैं, नीचे वाले को मत छेड़ना, फिर किसी एक में चेंज करते हो तो नीचे वाले को मत छेड़ना। इतना इतनी बात समझ में आई, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया अभी तक, केवल और केवल ये लिखा है कि जो 18 है वो 90 माइनस 72 भी तो होता है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 72, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो आगे, आगे इसमें क्या करते हैं, अब वापस मत कर देना कभी 90 माइनस 72 इक्वल्स टू 18 लिख दो वापस, क्योंकि वो तो है ही पहले से हमारे पास। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है साइन 90 माइनस थीटा। क्या है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा अभी लिखवाया था, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी लिखवाया था फॉर्मूला, लिख देता हूँ एक बार फिर साथ में, ये होता है कॉस थीटा। आ गया इतना, तो इसमें लगाओ फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ऊपर वाला तो ये आ गया, नीचे ऑलरेडी कॉस 72 है, हमारा आंसर आ गया, कितना है आंसर 1। आया बेटा इतना समझ में, बिल्कुल आसान है, केवल फॉर्मूला लगाना है, केवल एक जगह, दोनों जगह नहीं। सेकंड पे आ जाओ, मैं इसको लिखता हूँ 10, 26 को लिखता हूँ 90 माइनस 64, नीचे आपके पास कॉट 64, तो बेटा 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, इसका मतलब ऊपर बन गया कॉट 64 और नीचे ऑलरेडी कॉट 64 था, इसका आंसर भी कितना आएगा 1। आ गया बेटा इतना समझ में, नेक्स्ट पे आ जाओ, आपको केवल और केवल एक में लगाना है, दोनों में नहीं लगाना। इसको कॉस को बदलते हैं तो क्या आएगा, कॉस 48 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 42, एक ही बात है क्योंकि 90 में से 42 जाएंगे तो 48 ही तो बचेंगे। एटीन मेरे पास है, ये 18 कहाँ गया, ये मेरे पास है, मैंने 72 रख दिया उसकी जगह ना, चेक कर लेना बेटा कहाँ है 18, आपके पास है या फिर इधर मेरे पास है, कहीं ना कहीं तो गया, यहाँ तो बचा नहीं, अब वो कहाँ गया आप थोड़ा सा सर्च करो,
आगे करें इसको, देखो अब ध्यान से, कॉस 90 माइनस 42, मैं 48 को ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, तो क्या आएगा, साइन 42, ऐसे कैसे, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, कॉस 90 माइनस 42 मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का रिजल्ट क्या आता है, साइन थीटा, तो ये आ गया साइन और थीटा यहाँ पे है 42। आगे वाला पार्ट ऐसे कैसे लिखना है, एक अगले पार्ट को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका फोर्थ पार्ट आपको करना है जैसा पार्ट थर्ड है, जल्दी से करो फटाफट, फिर हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। भी कर लिया, फोर्थ करना ही था, कर क्या लिया, मैं तो करवाता नहीं, करना तो आपको ही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बेटा, शो दैट, मतलब इसमें आपको प्रूव करना है LHS RHS दो पार्ट दे रखे हैं। चलो पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, 1048, 1023, 1042 एंड 1067, और इसका आंसर लेके आना है आपको 1। कैसे लेके आएंगे, देखो इसका आंसर हमें 1 लेके आना है, देख कैसे लेके आएंगे, मैंने कहा था आप सबको चेंज मत करना, एक एक दो दो को कर लेना बस, किनको चेंज करना है ध्यान से समझो, आपको केवल और केवल उन टर्म्स को चेंज करना है जिनका सम 90 दिख रहा हो आपको, किस किस का सम 90 है, ये 48 है, ये 42 है, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, मतलब केवल और केवल 48 और 42 को देखना है, 90 आता है, तो इन दोनों में से आपको किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से, ठीक है, अगर इसको कर रहे हो तो इसको मत छेड़ना, बाकी जो बच गए इसमें 23 है, इसमें 67 है, हमने देखा इनको भी ऐड करने पे 90 आता है, तो इनमें भी किसी एक को करना है, दोनों को मत छेड़ना, तो मैं चलो इसको कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ, इन दोनों को ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, ठीक है,
देखो पहले वाले को करेंगे तो क्या आएगा, पहले वाले को हम ये लिख सकते हैं बेटा टेन, 48 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 42। चलो पहले वाले को बदल लिया, दूसरे वाले को बदलेंगे उसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67, दोनों को बदल दिया। अब थर्ड और फोर्थ को मत बदलना, थर्ड आपका ऑलरेडी है 1023 एंड फोर्थ इज 1067। केवल और केवल आप LHS पार्ट कर रहे हो क्योंकि ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना है, जब प्रूव करते हैं तो एक पार्ट लेके सॉल्व करते हैं, RHS आंसर में दिया हुआ है। तो बेटा जो आपने चेंज किया उसमें लगाओ फॉर्मूले, तो मैंने 1090 माइनस थीटा लिखा है तो इसका रिजल्ट होता है कॉट थीटा और थीटा है 42। फिर आगे 1090 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा, थीटा तो यही है ये लो, फिर ये है आपका 1023। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, इसको तो बदला ही नहीं था 42। चलो अब सही है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, अब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, बताया था आपको पहले से, पता है ये तो, टेन थीटा की वैल्यू 1 बाई कॉट थीटा होती है और कॉट थीटा की वैल्यू 1 बाई टेन थीटा होती है, दोनों बिल्कुल सेम है। देखो अब यहाँ पे कॉट 67 तक, मतलब आपने यहाँ तक लिखा है, अब टेन 42 की वैल्यू उससे लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई कॉट 42, ये आया, टेन 42 इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट 42। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, 1067, देन 1067 इज 1 बाई कॉट 67। तो क्या आंसर आएगा, ये वाला पार्ट इससे कट गया, ये लो ये पार्ट इससे कट गया, जब सब कट जाते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा, कौन बच्चा बताएगा, फटाफट रिप्लाई करो, सब कट जाते तो आंसर क्या आता है, कन्फर्म वन आता है, ठीक है बताओ, 5 माइनस 5 क्या आंसर आएगा, दोनों कट गए तो सब कटेंगे तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में वन आता है, एडिशन में 0 आता है, ठीक है फटाफट नोट कर लो फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट और देखो, इसके 5-7 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, देखो सेकेंड पार्ट है इसका, कॉस 38 कॉस 52 कॉस 38 कॉस 52 साइन 38 साइन 52 इसका आंसर आना चाहिए 0, 0 ही आएगा, 0 आना चाहिए। तो हम इसको प्रूव करते हैं, पहले इसका LHS पार्ट और बाद में RHS पार्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, इसमें हम देखते हैं पहले कॉस और साइन जब एक साथ आए तो जिनका सम 90 होता है उनमें से किसी एक को बदलना है, तो ये 38 और ये 38 ही है, ये है आपका 52। तो
तो वो 38 और ये 52, तो दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। तो मैं इसको बदल लूँगा, तो मुझे इसको नहीं बदलना फिर, अब इसको मत बदलना, इसको ऐसे कैसे लिख लेना, ठीक है। और बचा हुआ जो पार्ट है, इसमें cos 52 और sin 38 वापस इन दोनों का सम 90 होता है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको बदल लेता हूँ। तो जिन जिन को बदलने हैं वो मैं देख लिए, क्यों बदलने हैं ये भी आप देख लेना, क्योंकि cos 38 और sin 52 का जो पेयर होता है उस पर एंगल का सम कितना है, 90 है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो बेटा देखो ध्यान से, LHS पार्ट कर रहे हैं हम केवल। cos 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस थीटा करके अगर लिखेंगे तो 90 माइनस, तो 90 में से कितने कम करें, 38 आ जाएगा। तो बेटा ये आएगा आपका 52, क्योंकि 90 माइनस 52 भी तो 38 ही होता है। फिर है cos 52, तो cos 52 को बदलेंगे तो 90 माइनस 38 वही आएगा। मैंने बताया आगे वाले पार्ट को बदलना ही नहीं है, तो sin 38 sin 52 ऐसे कैसे, इक्वल टू जीरो मत लिख देना, वो तो हमें लेके आना है। देखो कैसे आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा इज क्या आएगा बेटा, sin थीटा। ये 90 माइनस थीटा फॉर्मूला लगा रहे हो, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका थीटा है, 52 क्या है, थीटा है, तो इसका मतलब sin थीटा। फिर cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा कितना आएगा, ये भी sin थीटा ही आएगा, तो sin और थीटा आपका 38 है, माइनस जो पार्ट आगे बचे हैं वैसे कैसे। देखो ये दोनों के दोनों पार्ट सेम हैं, दोनों के दोनों सेम हैं, दोनों कट जाएंगे, आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट से, ठीक है बेटा, नोट कर लिया तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास केवल यहीं तक, इसको रिवाइज करते रहना। थैंक यू बेटा, बाय।